أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20वें लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम ग़ज़वे उहद की तफसील पढ़ेंगे और उसको फुली कवर करेंगे। उसमें अल्लाह के शेर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, मुसलमानों की बालादस्ती, मुशरिकीन की शिकस्त, तीरंदाजों की खौफनाक गलती, इस्लामी लश्कर मुशरिकीन के नरगे में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर और मार्के पर उसका असर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहम मार्का आराई और हालात पर काबू, अबी बिन खल्फ का कत्ल, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाते हैं, मुशरिकीन का आखिरी हमला, शुहदा का मसला और घाटी में करार याबी के बाद, ये तमाम टॉपिक्स पूरी डिटेल में आज हम ग़ज़वे उहद को कवर करेंगे इस लेक्चर में। चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद्दीन, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल कुलूब, सर्रिफ कुलूबना अला तातिक। अल्लाहुम्मा अन्फानी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यन्फऊनी व ज़िदनी इल्मा। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा रज़िक़नी, रब्बि इशरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। लास्ट लेक्चर में हमने ग़ज़वे बदर और ग़ज़वे बदर के बाद की जंगी सरगर्मियां कवर की थी और हमने पढ़ा था कि जंग कुरैश ने जंगे बदर के बाद ये फैसला किया कि मुसलमानों से एक भरपूर जंग लड़कर अपना कलेजा ठंडा करें और अपने जज्बे गैज़ो गज़ब को तस्कीन दें। इसके साथ ही इस तरह की मारकाराई की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इस मामले में सरदारान कुरैश में से अकरमा बिन अबू जहल, सुफवान बिन उमिया, अबू सुफियान बिन हर्ब और अब्दुल्ला बिन रबिया ज़्यादा पुरजोश थे और सबसे पेश थे। अच्छा, इन लोगों ने ना इस सिलसिले में पहला काम ये किया, कैसे जंगी तैयारियां कर रहे थे ये नेक्स्ट जंग के लिए, कि सबसे पहला काम ये किया कि अबू सुफियान का वो काफिला जो जंगे बदर का बाइस बना था ना और जिसे अबू सुफियान बचा कर निकाल ले जाने में कामयाब हो गया था, उसका सारा जंगी माल इखराजात के लिए ना रोक लिया। अब उन्होंने क्या किया कि ये सारा माल जो है ना, जिसकी मिकदार 1000 ऊंट और 50,000 दिनार थी ना, जंग की तैयारी के लिए बेच डाला। और इसी बारे में अल्लाह ताला ने फिर ये आयत भी नाजिल की हुई है ना, सूरह अनफाल की आयत नंबर 36 है ना, जिन लोगों ने कुफर किया वो अपने अम्बाल अल्लाह की राह से रोकने के लिए खर्च करेंगे, तो ये खर्च तो करेंगे लेकिन फिर ये इनके लिए बायस हसरत होगा और फिर मगलूब किए जाएंगे। बहरहाल कुरैश ना अभी ग़ज़वे बदर के इंतकाम की तैयारी कर ही रहे थे, इसके लिए इन्होंने माल को यानी ये पैसे जमा किया कर रहे थे, पैसे और लोगों को भी तैयार कर रहे थे कि मकामे करदा में ना इन पर एक और मार पड़ गई, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना सरिया करदा के बारे में, सरिया ज़ैद बिन हारिसा जो है, तो उससे जो ना उनका गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने तैयारी की रफ्तार तेज कर दी। अब उन्होंने किया क्या कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रजाकाराना जंगी खिदमात का दरवाजा खोल दिया ना। अब उसके लिए रजाकाराना जंगी खिदमात का दरवाजा खोलने से मुराद ये है कि यानी उन्होंने रजाकाराना भर्ती का काम दरवाजा खोल दिया और क्या कहा कि जो अहाबीश, कनाना और अहले तहमा मुसलमानों के खिलाफ जंग में शरीक होना चाहे ना, वो कुरैश के झंडे तले जमा हो जाए। तो क्या हुआ कि जो है ना ये लोग सारे के सारे
इन्होंने इस मकसद के लिए सिर्फ यही नहीं किया कि उन्हें कहा कि भाई जंग में शरीक होना चाहते हैं तो झंडे तले जमा हो जाए, बल्कि उन्होंने इन्होंने इस मकसद के लिए क्या किया, तरहीब और तहरीज की भी मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार की। जैसे कि अबू अज़ा एक शायर था जो जंग बदर में कैद हुआ था और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये अहद लेकर कि वो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कभी ना उठेगा, अज़राए एहसान और बिला फिदिया छोड़ दिया था। उसे ना सुफान बिन उमिया ने ना उभारा, उसे कहा कि वो कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम करे। और इससे क्या अहद क्या किया था, उससे कहा कि अगर वो लड़ाई से बचकर जिंदा सलामत यानी वापस आ गया तो उसे मालामाल कर देगा, वरना वो क्या करेगा, उसकी लड़कियों की कफालत करेगा, यानी अगर लड़ाई में शिरकत करके उसके मर जाता है तो फिर उसकी लड़कियों की कफालत करेगा। चुनाचे अबू अज़ा ने ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए अहद पैमा को पसे पोश डालकर कबाइल को भड़काना शुरू कर दिया और गैरत और हमियत को शोला जन करने वाले अशार के जरिए कबाइल को इस तरीके से उभारा कि यानी उनमें एक तरह से जिसे कहते हैं ना रूह फूंक रहा था वो। इसी तरीके से कुरैश ने एक और शायर मुसाफा बिन अब्द मनाफ हजमी को भी इस मुहिम के लिए तैयार किया। इधर अबू सुफियान ने खुद भी जो है ना मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भाड़ने और भड़काने में कुछ ज्यादा ही सरगर्मी दिखाई थी। तो इस चुनाचे पूरा साल पूरा होते होते कुरैश की तैयारी मुकम्मल हो गई। इनके अपने अफराद के अलावा इनके हलीफों और अहबीश को मिलाकर ना मजमू तौर पर ना कुल 3,000 फौज तैयार हुई। इस लश्कर के साथ औरतें भी थी और जिनका काम जंग के लिए भड़काना जोश बहादुरी की रूह फूंकना था। यानी आप देखें कि यानी एक तो शायरों के जरिए और एक औरतें, ये दोनों क्या काम कर रहे थे, मीडिया का काम अंजाम दे रहे थे ना ये दोनों। अब ये इस सारा तैयारी हो रही है और इसके साथ साथ क्या है कि सवारी और बाढ़ बर्दारी के लिए 3,000 ऊंट थे और रिसाले के लिए 200 घोड़े, और इन घोड़ों को ताजा दम रखने के लिए इन्हें पूरे रास्ते बाजू में ले जाया गया, यानी इन पर सवारी नहीं की गई। हिफाजती हथियारों में 700 जरें भी थी ना। अबू सुफियान का पूरा लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर हुआ। अबू सुफियान रिसाले की कमान खालिद बिन वलीद को दी, अकरमा बिन अबी जहल को इनका माविन बनाया और परचम जो है ना मुकर्रा दस्तूर के मुताबिक कबीला बनू दार के हाथ में दिया गया। तो इस तरह पूरी भरपूर तैयारी के बाद मक्की लश्कर ने इस हालत में मदीने का रुख किया कि मुसलमानों के खिलाफ ना गम और गुस्सा का जज्बा जो है ना और इंतकाम का जज्बा इनके दिलों में शोला बन के भड़क रहा था और ये जाहिर है अनकरीब पेश आने वाली जंग की खूनरेजी और शिद्दत का पता दे रहा था इस वक्त जो है ना। उधर जो है ना हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इस वक्त क्या नाम है मक्का में थे, तो उन्होंने कुरैश की सारी नकलो हरकत और जंगी तैयारियों का ना बड़ी चाबक दस्ती और गहराई से वो मुताला कर रहे थे ना, यानी वो ऑब्जर्व कर रहे थे इन सारी चीजों को। तो चुनाचे जैसे ही ये लश्कर हरकत में आया ना, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी सारी तफसीलात पर मुश्तमिल एक खत फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना फरमा दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला का ना कासिद जो था ना वो पैगाम रसानी में निहायत फुर्तीला साबित हुआ। उसने मक्के से मदीने तक कुछ 500 किलोमीटर की मुसाफत ना सिर्फ 3 दिन में तय करके ना इनका खत नबी अकरम सल्लम के हवाले कर दिया। इस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लम ना मस्जिद कुबा में तशरीफ फरमा थे, तो ये खत ना हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को पढ़कर सुनाया था और आप सल्लम ने इन्हें राजदारी बरतने की ताकीद की थी। हमारे प्यारे नबी सल्लम तो पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो ये हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लम को पढ़कर सुनाया था और फिर उन्हें कहा था कि ये राजदारी बरते ना। तो फिर आप सल्लम मदीना तशरीफ ला के फिर अंसार और महाजरीन के कायदीन से सलाह मशवरा किया था। देखें हमारे प्यारे नबी सल्लम को ना ये इस लश्कर की आमद से तकरीबन यानी एक हफ्ते पहले खबर हो चुकी थी। अब अच्छा इधर जो मक्की लश्कर था ना वो कारवानी शाहरा पे चलता रहा। जब वो अब्बा के मुकाम पर पहुंचा ना तो अबू सुफियान की जो बीवी है ना हिंद बिन अतबा, उसने उतबा यानी उसने ये तजवीज पेश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र खेड़ दी जाए, वो वहां पर है ना अब्बा के मुकाम पर। लेकिन इस दरवाजे को खोलने के जो संगीन नताइज निकल सकते थे ना, इसके खौफ से ना कायदी ने लश्कर ने फिर ये तजवीज मंजूर नहीं की थी। इसके बाद लश्कर ने अपना सफर बादस्तूर जारी रखा, यहाँ तक कि मदीने के करीब पहुंचकर पहले वादी अकीक से गुजरा, फिर किसी कदर दाहिनी जानिब कतरा के कोह ओहद के करीब एनैन नामी एक मुकाम पर जो मदीने के शुमाल में ना वादी कना के किनारे एक बंजर जमीन है वहां पड़ाव डाल दिया।
अब ये जो है ना जुम्मा 6 शवाल 3 हिजरी का वाक्य है। अच्छा अब याद कीजिए कि गज़वे बदर कब हुई थी, रमजान 2 हिजरी में, और ये कब का वाक्य बता रहे हम, शवाल 3 हिजरी यानी पूरे तकरीबन 1 साल के बाद का वाक्य है ना। उधर अब मदीने के जरा इतलात मक्की लश्कर की एक एक खबर मदीना पहुंचा रही थी, हत्ता कि इसके पड़ाव की बाबत आखिरी खबर भी पहुंचा दी। इस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौजी हाई कमान की मजलिस से शूरा मुनक़िद फरमाई, यानी जब इतला मिल गई कि मक्के का लश्कर यहाँ पड़ाव डाल चुका है, तो फिर उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौजी हाई कमान की मजलिस से शूरा मुनक़िद फरमाई। अच्छा जिसमें ना मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सलाह मशवरा करना था ज़ाहिर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस मौके पर जो ना अपना एक ख्वाब भी बताया, यानी तमाम लोगों को ना ख्वाब अपना एक सुनाया ना। अब ये मैं आपको बताती हूँ क्या बताया था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वल्लाह मैंने एक भली चीज देखी, मैंने देखा कि कुछ गायें ज़िबा की जा रही हैं, और मैंने देखा कि मेरी तलवार के सिरे पर कुछ शिकस्तगी है, और ये भी देखा कि मैंने अपना हाथ एक महफूज जर्रा में दाखिल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की ताबीर भी बताई। अब इस ख्वाब की ताबीर क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपने गाय की ये ताबीर बतलाई कि कुछ सहाबा शहीद किए जाएंगे, तलवार में शिकस्तगी की ये ताबीर बतलाई कि आप सल्लम के घर का कोई आदमी शहीद होगा, और महफूज जर्रा की ये ताबीर बतलाई कि इससे मुराद शहर मदीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने दिफाई हिकमत अमली के मुतल्लिक अपनी राय पेश की कि मदीने से बाहर ना निकलें बल्कि शहर के अंदर ही किला बंद हो जाएं। अगर मुशरिकीन अपने कैंप में मुकीम रहते हैं तो बेमकसद और बुरा क्याम होगा, जाहिर है वो मदीने के बाहर हैं, अगर वो वहीं रहते हैं तो बेकार है उनके लिए भी, और अगर वो मदीने में दाखिल होते हैं तो मुसलमान गली कूचों के नाकों पर इनसे जंग करेंगे, औरतें छतों के ऊपर से इन पर खश्तबारी करेंगी, खश्तबारी मतलब पत्थर वत्थर बरसाना जिसे कहते हैं ना। तो यानी ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ पेश की कि हिकमत दिफाई हिकमत की ये तजवीज़ पेश की कि शहर के अंदर रह के ही जंग की जाए। अच्छा ये सही राय थी, और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसी राय से ना अब्दुल्ला बिन अबी रास मुनाफिकीन ने भी इत्तफाक किया था, जो इस मजलिस में ना खजरिज के एक सरगर्दा नुमाइंदे की हैसियत से शरीक था, लेकिन उसके इत्तफाक की बुनियाद ये नहीं थी कि जंगी नुक्ता नजर से यही सही मौकफ था, बल्कि उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि वो जंग से दूर भी रहे और किसी को एहसास भी ना हो, लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था ना। अल्लाह ने चाहा कि ये शख्स अपने रुफका समेत पहली बार सरेआम रुसवा हो जाए, और इनके कुफ्र और निफाक पर जो पर्दा पड़ा हुआ है ना वो हट जाए, और मुसलमानों को अपने मुश्किल तरीन वक्त में मालूम हो जाए कि आस्तीन में कितने सांप रेंग रहे हैं। ठीक है, इधर फाजिल सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक जमात ने जो बदर में शिरकत से रह गई थी, क्योंकि बदर की जंग हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसमें तो यानी जंग के लिहाज से तो नहीं निकले थे ना, वो तो काफले के पीछे गए थे और फिर जंग हो गई थी आगे, तो एक जमात जो बदर में शिरकत से रह गई थी ना, बढ़ के उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि मैदान में तशरीफ ले चलें, और उन्होंने अपनी इस राय पर सख्त इसरार भी किया, हत्ता कि बाद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इस दिन की तमन्ना किया करते थे, अल्लाह से इसकी दुआएं मांगा करते थे, अब अल्लाह ने यह मौका फराहम कर दिया और मैदान में निकलने का वक्त आ गया, तो फिर आप दुश्मन के मद्दे मुकाबले ही तशरीफ ले चले, वरना वो ये ना समझे कि हम डर गए हैं। अच्छा इन्हीं गर्म जोश हजरात में ना खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी सर फहरिस्त थे, जो मार के बदर में ना अपनी तलवार का जौहर दिखला चुके थे, तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि इस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब नाजिल की, मैं कोई गिजा ना चकूंगा यहाँ तक कि मदीने से बाहर अपनी तलवार के जरिए इनसे दो दो हाथ कर लूं। तो खैर बहरहाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के इसरार के सामने अपनी राय तर्क कर दी, और आखिरी फैसला यही हुआ कि मदीने से बाहर निकलकर खुले मैदान में मारकाराई की जाए। अब इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की नमाज पढ़ाई, तो वाज़ो नसीहत की, जद्दोजहद की तरकीब दी, और बतलाया कि सब्र और साबित कदमी ही से गलबा हासिल हो सकता है। ये बड़ा मतलब ज़बरदस्त पॉइंट है, सब्र और साबित कदमी ही से गलबा हासिल हो सकता है, ये हम सबको पॉइंट जहन में रखना चाहिए हमेशा, सब्र और साबित कदमी ये दोनों चीज़ें से ही इंसान जो है ना किसी भी मामले में गलबा हासिल कर सकता है। अच्छा साथ ही हुक्म दिया कि दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार हो जाए,
ये सुनकर ना लोगों में ना खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी तो इस वक्त तक लोग जमा हो चुके थे। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए, साथ में अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कवर किया कि कम उम्र के बावजूद हजरत राफे बिन खतीज और समरा बिन जंदब रजी अल्लाह ताला अन्हा को जंग में शिरकत की इजाजत मिल गई। अच्छा, यही शाम हो चुकी थी लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ी और यही रात भी गुजारने का फैसला किया। पहरे के लिए ना 50 सहाबा इकराम मुंतखब फरमाए जो कैंप के गिर्द पेश कश लगाते रहते थे और इनके कायद ना मोहम्मद बिन मुसल्लिमा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ज़कवान बिन अब्दुल्लाह बिन कैस खास नबी सल्लम के पास पहरा दे रहे थे। अच्छा, तुलू फजर से कुछ पहले आप सल्लम फिर चल पड़े और मुकाम शूद पहुंचकर फजर की नमाज पढ़ी। यानी आप ये देखें कि रात वहां गुजारी, मगरिब यानी फजर की नमाज से पहले वहां से निकले और यानी मुकाम शूद पे पहुंचकर फजर की नमाज अदा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आपके बिल्कुल करीब थे, यानी ये जो मुकाम था ना मुकाम शूद, यहाँ पर एक तरफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ पहुंचे थे, फजर की नमाज पढ़ी। अब आपके दुश्मन ना बिल्कुल आपके करीब थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ये कितने करीब थे। इस मौके पर यहाँ पहुंच कर ना अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने बगावत कर दी और कोई एक तहाई लश्कर यानी 300 अफराद को लेकर ये कहता हुआ वापस चला गया कि हम नहीं समझते कि क्यों खामखा अपनी जान दें। उसने इस बात पर एहतजाज का मुजाहरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात नहीं मानी और दूसरों की बात मान ली है। देखिए, इस अलहदगी का सबब यकीनन वो नहीं था जो इस मुनाफिक ने जाहिर किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात नहीं मानी, क्योंकि इस सूरत में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मुकाम तक इसके आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था ना, क्योंकि इसने इस बात का कहा था ना कि मदीने के अंदर रह के जंग लड़ी जाए। तो अगर उसको इस बात पर उस वक्त एतराज होता तो ये उस वक्त वहां से निकलता ही ना, तो इसे लश्कर के रवानगी के पहले ही कदम पे अलग हो जाना चाहिए था ना। इसलिए हकीकत वो नहीं है जो इसने जाहिर की थी, बल्कि हकीकत ये थी कि वो इस नाजुक मोड़ पर अलग होकर इस्लामी लश्कर में ऐसे वक्त इस्तराब और खुलबली मचाना चाहता था जब दुश्मन उसकी एक एक नकलो हरकत देख रहा हो, ताकि एक तरफ तो आम फौजी नबी सल्लम का साथ छोड़ दें और बाकी जो रह जाए ना उनके हौसले टूट जाए, और दूसरी तरफ इस मंजर को देख के दुश्मन की हिम्मत बंधे और इसके हौसले बुलंद हो। लिहाजा ये कार्रवाई ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मुखलिस साथियों के खात्मे की एक मौसर तदबीर थी। और वो ऐसा क्यों करना चाहता था ये हम सब जानते हैं ना, कि वो क्योंकि सरदारी चाहता था तो इस मुनाफिक को पूरी तवक्का थी इस बात से कि इसकी और इसके रुफका की सरदारी और सरबराही के लिए अब मैदान साफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखें करीब था कि ये मुनाफिक जो है ना अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता, क्योंकि मजीद दो जमातें यानी कबीला औस में से बनू हारसा और कबीला खिजरत में से ना बनू सलमा के कदम भी उखड़ चुके थे और वापसी की सोच ही रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ना इनकी दस्तगीरी की, यानी ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों को थाम लिया और ये दोनों जमातें इस्तराब और इरादे वापसी के बाद जम गई। इन्हीं के मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में ना आयत नंबर 122, जब तुम में से दो जमातों ने कसद किया कि बुजदिली इख्तियार करें और अल्लाह इनका वली है, मोमिनों को अल्लाह ही पे भरोसा करना चाहिए। बहरहाल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी और उसके साथियों ने वापसी का फैसला किया तो इस नाजुक तरीन मौके पर हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जो थे ना हजरत अब्दुल्ला बिन हराम रजी अल्लाह ताला ने इन्हें इनका फर्ज याद दिलाना चाहा, चुनाचे वो उन्हें डांटते हुए वापसी की तरगीब देते हुए और ये कहते हुए इनके पीछे पीछे चले कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो या दिफा करो, मगर उन्होंने जवाब में कहा कि अगर हम जानते कि आप लड़ाई करेंगे तो हम वापस ना होते। ये जवाब सुनकर ना अब्दुल्ला बिन हराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हुए वापस हुए कि ओ अल्लाह के दुश्मनों, तुम पर अल्लाह की मार, याद रखो अल्लाह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे मुस्तगना कर देगा। इसी सिचुएशन को ना अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान है आयत नंबर 167 उसमें बयान फरमाया ना, तो अल्लाह ताला इस सिचुएशन को सूरह आले इमरान की 167 आयत में इस तरीके से आ रहा है
और ताकि अल्लाह इन्हें भी जान ले जिन्होंने मुनाफ़त की, और इनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ाई करो या दिफा करो। तो उन्होंने कहा अगर हम लड़ाई जानते तो यकीनन तुम्हारी पैरवी करते। ये लोग आज ईमान की बनिस्बत कुफर के ज्यादा करीब है। मुंह से ऐसी बात कहते हैं जो दिल में नहीं है, और जो कुछ छुपाते हैं अल्लाह उसे जानता है। इस बगावत और वापसी के बाद ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मानदा लश्कर को ना, जिसकी तादाद अब 700 रह गई थी क्योंकि ये 300 निकल गए थे ना, दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया। अब दुश्मन का पड़ाव ना आपके दरमियान और ओहद के दरमियान कई सिम्त से हाल था ना, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि कोई आदमी है जो हमें दुश्मन के पास से गुजरे बगैर किसी करीबी रास्ते से ले चले। तो इसके जवाब में ना अबू खुसैमा रजी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। फिर उन्होंने एक मुख्तसर सा रास्ता इख्तियार किया था जो मुशरिकीन को लश्कर को मगरिब की सिम छोड़ता हुआ बनी हारसा के हेरा और खेतों से गुजरता था। अब इस रास्ते से ना जाते हुए लश्कर का गुजरना मुरब्बा बिन कैजी के बाग से हुआ। ये शख्स कौन था? ये शख्स ना एक मुनाफिक भी था और नाबीना भी था ना। इसने लश्कर की आमद महसूस की ना तो मुसलमानों के चेहरे पे ना धूल फेंकने लगा, यानी मिट्टी वगैरह, और कहने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे बाग में आने की इजाजत नहीं। लोग उसे कत्ल करने को लपके ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कत्ल ना करो, ये दिल और आंख दोनों का अंधा है। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लम ने आगे बढ़कर ना वादी के आखिरी सिरे पे वाकिया ना पहाड़ की घाटी में नजूल फरमाया और वहीं अपने लश्कर का कैंप भी लगवाया। सामने यानी अब देखिए सामने मदीना था, पीछे ओहद का बुलंद वाला पहाड़, और इस तरह दुश्मन का जो लश्कर था ना मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया। यहां पहुंच के ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब और तंजीम कायम की। जंगी नुक्ते नजर से इसे कई सफों में तकसीम फरमाया। माहिर तीरंदाजों का एक दस्ता मुंतखब किया जो 50 मर्दाने जंगी पर मुश्तमिल था। इनकी कमान ना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द की, जो इन्हें वादी कना के जनूबी किनारे पर वाक़ एक छोटी सी पहाड़ी पर जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई 1.5 मीटर जनूब मशरक में वाक़ है ना, और ये पहाड़ी ना जबले रमा के नाम से मशहूर है, वहां तायुनात फरमाया। अच्छा, ये तीर अंदाजों का दस्ता वहां तायुनात क्यों फरमाया था, इसको समझने के लिए आप इन अल्फाज पे गौर कीजिए जो आप सल्लम ने इन तीर अंदाजों को हिदायत देते हुए इरशाद फरमाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कमांडर यानी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन नुमान अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया शह सवारों को तीर मारकर हमसे दूर रखो, वो पीछे से हम पर ना चढ़ाएं, और हम जीते या हारें तुम अपनी जगह रहना, तुम्हारे हमले से तुम्हारी तरफ से हम पर हमला ना हो। और अहमद और तिब्रानी की रिवायत के मुताबिक ना आप सल्लम ने तीर अंदाजों को इस तरह मुखातिब फरमाया था कि हमारी पुश्त की हिफाजत करना, अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को ना आना, और अगर देखो कि हम माल गनीमत समेट रहे हैं तो हमारे साथ शरीक ना होना। सही बुखारी के अल्फाज के मुताबिक आप सल्लम ने यूं फरमाया था कि अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह ना छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं, और अगर तुम लोग देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दी और इन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह ना छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। तो इन सख्त तरीन फौजी अहकामात और हिदायत के साथ ना इस दस्ते को ना इस पहाड़ी पर मुतय्यन फरमाकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाहिद शगाफ बंद फरमा दिया जिससे नफूस करके मुशरिकीन का दस्ता ना मुसलमानों की सफों के पीछे पहुंच सकता था और इनको महासर नरगे में ले सकता था ना। अच्छा, अब बाकी लश्कर की तरतीब उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की थी कि बाकी लश्कर की तरतीब ये की थी कि मैमना पर ना हजरत मंजर बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया, मैसरा पर हजरत जुबैर बिन अवाम को, और उनका माविन हजरत मिकदाद बिन असद रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया, और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को ये मुहिम भी सौंपी गई कि वो खालिद बिन वलीद के शहसवारों को की राह रोके रखे। अच्छा, इस तरतीब के अलावा ना सफ के अगले हिस्से में ना ऐसे मुमताज और मुंतखब बहादुर मुसलमान रखे गए जिनकी जांबाजी और दलेरी का शोहरा था और जिन्हें हजारों के बराबर सम्माना जाता था। अच्छा, अब आप जरा ना इस पूरे मंसूबे पे अगर नजर डालें ना तो ये मंसूबा ना बड़ी बारीकी और हिकमत पर मबनी था ना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौजी क्यादत की जहानत का पता चलता है कि, और ये साबित भी होता है कि कोई कमांडर ख्वाह कैसे ही बालियाकत क्यों ना होना आपसे ज्यादा बारीक और बाहिकमत मंसूबा तैयार नहीं कर सकता। देखिए, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे ये इसको मैं ये क्यों कहा जा रहा है।
क्योंकि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद के दुश्मन के बाद यहाँ तशरीफ आए थे, दुश्मन पहले पहुंच चुके थे ना, लेकिन आप सल्लम ने अपने लश्कर के लिए वो मुकाम मुंतखब फरमाया जो जंगी नुक्ता नजर से मैदान जंग का सबसे बेहतरीन मुकाम था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की बुलंदियों की ओट लेकर अपनी पुश्त और दायां बाजू महफूज कर लिया, और बायां बाजू दौरान जंग जिस वाहिद शगाफ से हमला करके पुश तक पहुंचा जा सकता था ना, उसे तीर अंदाजों के जरिए बंद कर दिया। और फिर पड़ाव के लिए एक ऊंची जगह मुंतखब फरमाई कि अगर खुदा ना खास्ता शिकस्त से दो चार होना पड़े तो भागने और ताकुब कंदकान की कैद में जाने के बजाय कैंप में पनाह ली जा सके, और अगर दुश्मन कैंप पर कब्जे के लिए कोशिश पेशकदमी करे तो उसे निहायत संगीन खसारा पहुंचाया जा सके। इसके बरक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी देखा कि आपने दुश्मन को ना अपने कैंप के लिए ना एक ऐसा नशीनी मुकाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो गालिब आ जाए तो फतह का कोई खास फायदा ना उठा सके, और अगर मुसलमान गालिब आ जाए तो ताकुब करने वाला जो है ना गिरफ्त से बच ना सके। इसी तरह आप सल्लम ने मुमताज बहादुरों की एक जमात मुंतखब करके फौजी तादाद की कमी भी पूरी कर दी, जो आगे फ्रंट लाइन पर बहादुर उनकी जमात मुंतखब की थी ना उसके जरिए। तो ये देखें ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की तरतीब जो थी ना ये बेहतरीन तरतीब थी, और ये लश्कर की तरतीब 3 हिजरी शवाल यौम सनीचर की सुबह अमल में आई, यानी आप शवाल सुबह सुबह का टाइम है और हफ्ते का रोज है, ठीक है। इसके बाद यानी ये सारा सेटअप करने के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म ना दें जंग शुरू ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे ऊपर 2 जरहें पहन रखी थी, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जंग की तरगीब देते हुए ताकीद फरमाई कि जब दुश्मन से टकराव हो तो हिम्मत और जुर्रत से काम लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें दलेरी और बहादुरी की रूह फूंकते हुए एक निहायत तेज तलवार और बेनियाम की यानी और फरमाया कि कौन है जो इस तलवार को लेके इसका हक अदा करे, यानी एक उभारने के लिए ना, तो इस पर कई सहाबा तलवार लेने के लिए लपक पड़े, जिनमें हजरत अली बिन अबी तालिब भी थे, जुबैर बिन अवाम और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, लेकिन अबू दजाना समाक बिन खर्शा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़ के अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हक क्या है ना, तो आप सल्लम ने फरमाया इससे दुश्मन के चेहरे को मारो यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम मैं इस तलवार को लेके इसका हक अदा करना चाहता हूँ, तो आप सल्लम ने तलवार उन्हें दे दी थी इस मौके पे जना। अबू दजाना को क्यों दी थी, देखें अबू दजाना ना बड़े जांबाज थे, लड़ाई के वक्त अकड़ कर चलते थे ना, और इनके पास एक सुर्ख पट्टी थी, जब इसे बांध देते थे ना तो लोग समझ जाते थे कि वो अब मौत तक लड़ेंगे। चुनाचे जब उन्होंने तलवार ली ना तो सर पर पट्टी भी बांध ली और फरीकैन की सफों के दरमियान अकड़ कर चलने लगे, और यही मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लम ने इशारत फरमाया था ना कि चाल अल्लाह को नापसंद है लेकिन इस जैसे मौके पर नहीं, ठीक है। तो अब ये देखें इधर मक्की लश्कर की तंजीम को भी देखते हैं कि वो उनकी तंजीम कहती है कि उनका सिपा सालार तो अबू सुफियान था, मेमना पर खालिद बिन वलीद थे जो उस वक्त मुशरिक थे ना, और मैसरा पे अकरमा बिन अबू जहल था, और पैदल फौज की कमान सफवान बिन उमिया के पास थी। अच्छा झंडा जो है ना उनका अब्दुद्दार की एक छोटी सी जमात, छोटी सी तो नहीं 10 लोगों की जमात थी वो, के हाथ में था। ये मनसब ना उन्हें उस वक्त से हासिल था जब बनू मनाफ ने कुसई से विरासत में पाए हुए मनासिब को तकसीम किया था, ये हमने पढ़ा था ना शुरू के लेक्चर में कि विरासत ये मनासिब की तकसीम कैसे की गई थी। तो अब ये देखें कि अबू सुफियान ने भी गुस्सा भड़काने के लिए ना बनू अब्दुद्दार के हाथ में झंडा था ना, तो उसको उसका गुस्सा भड़काने के लिए उसको जोश दिलाने के लिए क्या कहा था कि उसने कहा कि देखो तुम्हारा जो परचम बरदार था नजर बिन हारिस वो बदर में गिरफ्तार हो गया था, तो हमें किस नाकामी का सामना करना पड़ा था, लिहाजा अगर फौज क्योंकि फौज पे झंडे ही की जानिब से जरूरत पड़ती है ना, जब झंडा गिर पड़ता है तो फौज के कदम उखड़ जाते हैं, तो उसने कहा कि अब की बार आप लोग या तो हमारा झंडा ठीक से संभालें या हमारे और झंडे के दरमियान से हट जाए, हम इसका इंतजाम खुद कर लेंगे। इस गुफ्तगु से जो अबू सुफान का मकसद था उसमें वो कामयाब भी रहा था। इसकी बात सुनकर अब्दुद्दार को सख्त गुस्सा आया ना, और उसने कहने लगा कि जो ना कल जब टक्कर होगी तो देख लेना हम क्या करते हैं। तो और वाकई जब जंग शुरू हुई ना तो वो निहायत पामर्दी के साथ जमे रहे, यहाँ तक कि इनका एक एक आदमी लकमा अजल बन गया था। अच्छा अब आगाज जंग होने से का टाइम हो रहा है, यानी जंग शुरू होने से वक्त, उस वक्त कुरैश की सियासी चालबाजियां देखें। कुरैश ने ना मुसलमानों की सफ में ना फूट डालने और नजा पैदा करने की कोशिश की ना,
इस मकसद के लिए अबू सुफान ने ना अंसार के पास ये पैगाम भेजा कि आप लोग हमारे और हमारे चचाजाद भाई यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच से हट जाएं, तो हमारा रुख भी आपकी तरफ ना होगा क्योंकि हमें आप लोगों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन देखें, जिस ईमान के आगे पहाड़ भी नहीं ढह सकते ना, उसके आगे चाल क्यों कर कामयाब हो सकती थी। चुनाचे इंसान ने नहायत सख्त जवाब दिया था और कड़वी कसेली सुनाई थी। फिर जब वक्त सफर करीब आ गया और दोनों फौजें एक दूसरे के करीब आ गईं, तो कुरैश ने इस मकसद के लिए एक और कोशिश की, यानी इनका एक खानत कोश आले कारना अबू आमिर फासिक मुसलमानों के जो ना सामने नमूदार हुआ। अब ये कौन था? ये शख्स जो था ना, इसका नाम अब्द उमरो बिन सैफी था। इसे राहब कहा जाता था ना, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने इसका नाम फासिक रख दिया था। ये जाहिलियत में ना कबीले औस का सरदार था, लेकिन जब इस्लाम की आमद आमद हुई ना, तो इस्लाम इसके गले की फांस बन गया था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुलकर अदावत पर उतर आया था। चुनाचे वो मदीना से निकल के ना कुरैश के पास पहुंचा और उन्हें आप तस्लिम के खिलाफ भड़का भड़का कर आमादे जंग किया था। यकीन दिलाया था कि मेरी कौम के लोग मुझे देखेंगे तो मेरी बात मानकर मेरे साथ हो जाएंगे, और यही किया इसने कि मैदान जंग में जब ये बिल्कुल शुरू हो रही थी, सामने आमने आ गए, तो ये पहला शख्स था जो मैदान ओहद में ना अहबीश और अहले मक्का के गुलामों के हमला मुसलमानों के सामने आया और अपनी कौम को पुकार कर अपना तारुफ कराते हुए कहने लगा कि कबीले औस के लोगों, मैं अबू आमिर हूँ। इन लोगों ने कहा, ओ फासिक, अल्लाह तेरी आंख को खुश नसीब ना करे। तो जब ये जवाब उसे सुनने को मिला तो समझ गया, तो कहने लगा, ओहो मेरी कौम मेरे बाद शर से दो चार हो गई है। खैर पीछे हट गया था, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो उस इस शख्स ने बड़ी पुरजोर जंग भी की थी और मुसलमान पर फिर जम के पत्थर भी बरसाए थे ना। इस तरह देखें, कुरैश की जानिब से अहले ईमान की सफ़ों में तफरका डालने की ये दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई थी। आप इससे अंदाजा किया जा सकता है ना, आप जरा गौर करें कि तादाद की कसरत और साजो सामान की फरावानी के बावजूद, यानी इतना लेस होकर आए थे सारा कुछ, मुशरिकीन के दिलों पर मुसलमानों का किस कदर खौफ और इनकी कैसी हैबत तारी थी कि सियासी चालें भी चल रहे थे साथ साथ, है ना। अब इधर जो कुरैशी औरतें थी ना, वो भी जंग में अपना हिस्सा अदा करने के लिए उठी। इनकी क्यादत ना अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन उत्बा कर रही थी। इन औरतों ने ना सफों में घूम घूम कर दफ पीट पीट कर लोगों को जोश दिलाया और लड़ाई के लिए भड़काया, जांबाजों को गैरत दिलाई, नेजाबाजी शमशेर जनी मार धाड़ के लिए जज्बात को उभारा। अब वो वहां पे अरब का एक दस्तूर था ना कि शेर व शायरी बहुत करते थे, तो अशार में बात किया करते थे, तो ये ऐसे अशार कह कह के जो ना इनको भड़का रही थी, जैसे कभी अलमबरदारों को मुखातिब करके कहती कि देखो अब्दुद्दार, देखो पुश्त के पास दार, खूब करो शमशेर का वार, और कभी इस तरह के अशार कहती थी कौम को जोश दिलाने के लिए कि अगर पेश कदमी करोगे तो हम गले लगाएंगे, कालीने बिछाएंगे, अगर पीछे हटोगे तो रूठ जाएंगी और अलग हो जाएंगी। तो ये वही मैं कह रही थी ना कि यहाँ की ये औरतें भी जो है ना वो मीडिया का काम अंजाम दे रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना दोनों फरीक बिल्कुल आमने सामने और करीब आ गया। अब लड़ाई का जो ना मरहला ना शुरू हो गया। जंग का जो पहला ईंधन था ना, मुशरिकीन का लंबरदार तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी बना, ये कुरैश का निहायत बहादुर शहसवार था। ये ऊंट पर सवार होकर निकला और मुबाजरत की दावत दी। मुबाजरत मैंने बताया था ना, जंग के लिए आमने सामने होके यानी पेश किया कि आओ जंग के लिए ना। तो हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ना इस मौके पे आगे बढ़े और एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर शेर की तरह जस लगाकर ऊंट पर जा चढ़े, फिर उसे अपनी गिरफ्त में लेके जमीन पर कूद गए और तलवार से ना ज़िबा कर दिया। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वलवला अंगेज मंजर देखा ना, तो फर्त मुसर्रत से नारे तकबीर बुलंद किया, तो मुसलमानों ने भी नारे तकबीर लगाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ की और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी जुबैर है। जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो वैसे भी अशर मुबशरा की लिस्ट में भी आते हैं ना। इसके बाद हर तरफ जंग के शोले बढ़ा कूटे और पूरे मैदान में पुरजोर मार धाड़ शुरू हो गई। मुशरिकीन का परचम मार्के का मरकज सकल था। अब बनू अब्दुद्दार ने अपने कमांडर तलहा बिन अबी तलहा के कत्ल के बाद यके बाद दिगरे परचम संभाला, लेकिन सबके सब मारे गए।
देखे ये बनु अब्दुद्दार के ना 10 अफराद थे जिन्होंने मुशरिकीन का झंडा ना एक एक करके उठाया और सब के सब मारे गए। इसके बाद इस कबीले का कोई आदमी बाकी ना बचा था जो झंडा उठाता। लेकिन इस मौके पर ना इनके एक हबशी गुलाम ने जिसका नाम सवाब था ना लपक का झंडा उठा लिया और ऐसी बहादुरी और पामर्दी से लड़ा कि अपने से पहले झंडा उठाने वाले और अपने आकाओं से भी बाजी ले गया। यानी ये शख्स मुसलसल लड़ता रहा था यहाँ तक के जो है ना इसके जान से मारा डाला गया ना। इस गुलाम की कत्ल के बाद झंडा जमीन पर गिर गया और इसे कोई उठाने वाला बाकी ना बचा, इसलिए वो गिरा ही रहा था। एक तरफ तो ये मुशरिकीन के का झंडा जो है ना मार्केट का यानी मरकज सकल था, यानी इसके पीछे लड़ाई होती है, और दूसरी तरफ मैदान के बाकी हिस्सों में भी ना शदीद जंग जारी थी। मुसलमानों की सफों पर ना ईमान की रूह छाई हुई थी, इसलिए वो शिर्क और कुफर के लश्कर पर ना इस सैलाब की तरह टूटे पड़ रहे थे कि जिसके सामने कोई बंद नहीं ठहर पाता था। मुसलमान इस मौके पर ना उम्मत उम्मत कह रहे थे और इस जंग में यही इनका शार भी था ना। इधर अबू दजाना जिन्होंने वो तलवार थामी थी ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इसके हक की अदायगी का अजम मुसम्मम किए पेशकदमी की। उन्होंने लड़ते हुए दूर तक जा घुसे, वो जिस मुशरिक से टकराते थे ना उसका सिफाया कर देते। उन्होंने मुशरिकों की ना सफों की सफें उलट दी। हजरत जुबैर बिन अवाम रसल्ला का बयान है ना कि जब मैंने रसूल सल्लम से तलवार मांगी थी, हजरत जुबैर रसील्ला तला ना कहते ना क्या, तो आप से सिर्फ उन्हें नहीं दी, तो कहते हैं कि मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ था इसका कि मैंने जी में सोचा कि मैं तो आपकी फूफी सफिया रजी अल्लाह ताला का बेटा हूँ, कुरैशी भी हूँ, मैंने आपके पास जाके अबू दजाना से पहले तलवार भी मांगी लेकिन आपसे सर मुझे ना दी और इन्हें दे दी, इसलिए वल्लाह मैं देखूंगा कि वो उससे क्या काम करते हैं ना। तो वो कहते हैं ना कि मैं उनके पीछे लग गया था, और ये भी कहते हैं कि उन्हें जो भी मिल जाता था ना उसे कतल कर देते थे। तो कहते हैं कि यानी मुशरिकीन का एक शख्स था जो किसी भी जख्मी को पा जाता था तो वो उसका खात्मा कर देता था ना। तो ये दोनों कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता करीब हो रहे थे तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि दोनों में टक्कर हो जाए ना, और वाकईतन टक्कर भी हो गई थी। और फिर कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे पर एक एक वार किया, लेकिन अब पहले मुशरिक ने वार किया लेकिन अबू दजाना ने यह हमला ढाल पर रोक लिया। इसके बाद अबू दजाना ने तलवार चलाई और मुशरिक को वहीं ढेर कर दिया। फिर कहते हैं कि इसके बाद अबू दजाना सफों पे सफें दरहम बरहम करते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि कुरैशी औरतों की कमांडर तक जा पहुंचे और उन्हें मालूम नहीं था कि औरत है। चुनाचे अबू दजाना का बयान है कि मैंने एक इंसान को देखा, वो लोगों को बड़े जोर शोर से जोश और वलवला दिला रहा था, इसलिए मैंने इसको निशाने पर ले लिया, लेकिन जब तलवार से हमला करना चाहा तो इसने हाय पुकार मचाई और पता चला कि ये औरत है। मैंने रसूल सल्लम की तलवार को बट्टा ना लगने दिया कि इससे किसी औरत को मारूं, ये औरत हिंद भी नतबाती। चुनाचे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है ना कि मैंने अबू दजाना को देखा कि उन्होंने हिंद भी नतबा के सर के बीचों बीच तलवार बुलंद की फिर हटा ली। तो मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, यानी कोई वजह थी जो हमारे प्यारे नबी ने हजरत दजाना को तलवार दी थी। अच्छा, इस इधर हजरत हमजा रजी अल्लाह भी ना बिफरे हुए शेर की तरह जंग लड़ रहे थे और बेनजीर मार धार के साथ कल्बे लश्कर की तरफ बढ़े और चढ़े जा रहे थे ना। उनके सामने से बड़े बड़े बहादुर इस तरह बिखर जाते थे जैसे चौमक्खी हवा में पत्ते उड़ रहे हो। उन्होंने मुशरिकीन के अलम बरदारों यानी जिन्होंने परचम उठाए हुए थे कि सफाई में नुमाया किरदार अदा करने के अलावा इनके बड़े बड़े जांबाजों और बहादुरों का भी हाल खराब कर रखा था। लेकिन अफसोस कि इसी आलम में इनकी अपनी भी शहादत वाकया हो गई, लेकिन उन्हें बहादुरों की तरह आमने सामने लड़कर शहीद नहीं किया गया था बल्कि बुजदुलों की तरह छुप छुपा कर बेखबरी के आलम में मारे गए। वो कैसे मारे गए थे कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ना वैशी बिन हर्ब ने कत्ल किया था। ये जो ना एक हबशी गुलाम था जो नेजा फेंकने का ना माहिर था। इसका जो ना आका जो था ना जुबैर बिन मुतम, उसने उससे वादा किया था कि वो हजरत हमजा को कत्ल कर देना तो उसे आजाद कर देगा। क्यों उसने वादा किया था? क्योंकि हजरत हमजा ने ना जुबैर बिन उतम के जो चचा था ना तयमा बिन अदी, उनको उसको ना गज़वे बदर में हमारे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया था। चुनाचे वहशी ना एक चट्टान की ओट में ना छुपकर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताक में बैठ गया और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिकीन के एक आदमी सबा बिन अरफा का ना जिस वक्त सर कलम कर रहे थे ना, वहशी ने इनकी तरफ नेज़े का रुख किया और उसे उछाल दिया। वो काफिल थे, नेजा इनके पेड़ों पे लगा और दोनों पांव के दरमियान से निकल गया, वो गिर गए और उठ ना सके यहाँ तक कि इनकी शहादत हो गई थी।
वैशी का खुद का बयान है कि मेरा काम हो चुका था, मुझे इनके सिवा किसी और से सरोकार ना था। मैंने इन्हें महज इसलिए कत्ल किया था कि आजाद हो जाऊं, और चुनाचे जब मक्का आया तो मुझे आजादी मिल गई। यानी इसके बाद उसने जंग में शिरकत नहीं की थी वैशी ने ना। वैशी ने जंग ताइफ के बाद बहरहाल इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने इसी नेजे से ना दौरे सिद्दीकी में यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रसान के दौर में जंग यमामा के अंदर फिर मुसलमा कजाब को कत्ल किया था। अच्छा, अल्लाह के शेर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के जो है ना नतीजे में मुसलमानों को जो संगीन खसारा और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा ना, उसके बावजूद भी जंग में मुसलमानों ही का पल्ला भारी रहा। देखिये, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, उमर, अली, जुबैर, मुसब बिन उमैर, तलहा बिन उबैदुल्ला, अब्दुल्ला बिन जहाश, साद बिन माद, साद बिन अबादा, साद बिन रबी, नजर बिन अनस वगैरह रजी अल्लाह ताला अन्हम ने ऐसी पामर्दी और जांबाजी से लड़ाई लड़ी कि मुशरिकीन के छक्के छूट गए, हौसले टूट गए, इनकी कुव्वत बाजू जवाब दे गई। जबले रमा पर जिन तीर अंदाजों को हमारे पैगंबर ने मुतय्यन फरमाया था ना, उन्होंने भी जंग की रफ्तार मुसलमानों के मुवाफिक चलाने में बड़ा अहम रोल अंजाम दिया था। मक्की शह सवारों ने खालिद बिन वलीद की क्यादत में और आमिर फासिक की मदद से ना मुसलमानों की पुश्त तक पहुंचने और इनकी सफों में खुलबली मचाकर भरपूर शिकस्त से दोचार करने के लिए 3 बार जोरदार हमले किए थे उस साइड पर ना, यानी जहां तीरंदाज मौजूद थे। लेकिन मुसलमान तीरंदाजों ने इन्हें इस तरह तीरों से छलनी किया था कि इनके तीनों हमले नाकाम हो गए थे। कुछ देर इसी तरह शदीद जंग होती रही थी और छोटा सा इस्लामी लश्कर रफ्तार जंग पर पूरी तरह मुसल्लत रहा। बिल आखिर मुशरिकीन के हौसले टूट गए, इनकी सफ़ें दाएं बाएं आगे पीछे से बिखरने लगी। गोया 3,000 मुशरिकीन को 700 नहीं बल्कि 30,000 मुसलमानों का सामना है। इधर मुसलमान थे कि ईमान और यकीन और जांबाजी और शुजात की नहायत बुलंद पाया तस्वीर बने शमशेर और सनान के जौहर दिखला रहे थे। कुरैश ने मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमले रोकने के लिए अपनी इंतहाई ताकत सर्व करने के बावजूद मजबूरी और बेबसी जब महसूस की तो उनके हौसले इस हद तक टूट गए कि उन्होंने फिर फरार की राह तैयार की। इब्ने साहब कहते हैं ना कि अल्लाह ने मुसलमानों पर अपनी मदद नाजिल की, उनसे अपना वादा पूरा किया। चुनाचे मुसलमानों ने तलवारों से मुशरिकीन की ऐसी कुटाई की कि वो कैंप से परे भाग गए। बिला शुबा इनको शिकस्त फाश हुई। अच्छा, लेकिन ऐन इस वक्त जबकि ये मुख्तसर सा इस्लामी लश्कर अहले मक्का के खिलाफ तारीख की औराक पर एक और शानदार फतह सब्त कर रहा था जो अपनी ताबनाकी में जंगे बदर की फतह से किसी तरह कम नहीं थी, तीर अंदाजों की अक्सरियत ने खौफनाक गलती का इर्तकाब किया जिसकी वजह से जंग का पासा पलट गया। मुसलमानों को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा और खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से बाल बाल बचे। अब हुआ क्या था, अब देखें जरा। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को फतह और शिकस्त हर हाल में अपनी पहाड़ी मोर्चे पर डटे रहने की कितनी सख्त ताकीद फरमाई थी। लेकिन इस सारे ताकीदी अहकामात के बावजूद जब उन लोगों ने देखा यानी तीर अंदाजों ने देखा ऊपर से कि मुसलमान माल गनीमत लूट रहे हैं और उन पर हुब्बे दुनिया का कुछ असर गालिब आ गया। चुनाचे बाज ने बाज से कहा, गनीमत गनीमत, तुम्हारे साथी जीत गए, अब काहे का इंतजार है। इस आवाज के उठते ही उनके कमांडर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला ने इन्हें रसूल सल्लम के अहकामात याद दिलाए और फरमाया, क्या तुम लोग भूल गए कि रसूल सल्लम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है? लेकिन इनकी गालिब अक्सियत ने इस याद दहानी पर कान ना धरा और कहने लगे कि नहीं, नीचे उतर आए ना। इसके बाद 40 तीर अंदाजों ने अपने मोर्चे छोड़ दिए, यानी टोटल 50 लोग थे वो लोग जब मैंने शुरू में बताया, अब उनमें से 40 तीर अंदाजों ने मोर्चे छोड़ दिए और माल गनीमत समेटने के लिए आम लश्कर में जा शामिल हुए। इस तरह मुसलमानों की पुश्त खाली हो गई और वहां सिर्फ अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला ना और उनके 9 साथी बाकी रह गए जो इस अज़्म के साथ अपने मोर्चों पर डटे रहे कि या तो इन्हें इजाजत दे दी जाएगी या वो अपनी जान जाने अफ्रीके हवाले कर देंगे। अब खालिद बिन वलीद जो इससे पहले भी 3 बार इस मोर्चे को सर करने की कोशिश कर चुके थे, इस जरी मौके से फायदा उठाते हुए नहायत तेजी से चक्कर काट के इस्लामी लश्कर की पुश्त पर जा पहुंचे और चंद ही लम्हों में अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथियों का सफाया करके मुसलमानों पर पीछे से टूट पड़े।
फिर इनके शह सवारों ने एक नारा बुलंद किया जिससे शिकस्त खोर्दा मुशरिकीन को इस नई तब्दीली का इल्म हो गया और वो भी मुसलमानों पर टूट पड़े। इधर कबीले बनु हारिस की एक औरत अमरा बिन अलकमा ने लपक कर जमीन पर पड़ा मुशरिकीन का झंडा भी उठा लिया। फिर क्या था, बिखरे हुए मुशरिकीन इसके गिर्द समेटने लगे और एक ने दूसरे को आवाज दी जिसके नतीजे में वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए और फिर जम कर लड़ाई शुरू कर दी। अब मुसलमान क्या थे, आगे और पीछे दोनों तरफ से घेरे में आ चुके थे, यानी गोया चक्की के दो पाटों के बीचों बीच में पड़ गए थे अब ये सारे मुसलमान जो है इस वक्त। अब देखिये, अब मैं यहाँ आपको जरा सा बताती हूँ कि देखिये जब जो है ना मुसलमानों ने नरगे में लिए जाने की कार्रवाई देखी, ये थोड़ा सा इसको बताती हूँ कि तो वो उथल पुथल और बदनज़मी का शिकार हो गए और कोई मुत्तहदा मौकफ इख्तियार ना कर सके। एक ग्रोह तो होश ही खो बैठा, जनूब की तरफ फरार इख्तियार किया और मदीना जा पहुंचा। बाज ओहद की घाटी की तरफ भागे और इस्लामिक कैंप में पनाह गिर हुए। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किया और आप सल्लम के पास पहुंचकर आप सल्लम के दिफा में लग गए और अक्सर मुसलमान नरगे के अंदर अपनी जगहों पर साबित कदम रह के घेरने वालों से लड़ते भिड़ते रहे। एक ग्रोह पीछे की तरफ पलटा तो मुशरिकीन के साथ मखलूत हो गया, दोनों लश्कर गडमड हो गए और एक दूसरे का पता ना चल सका। इसके नतीजे में खुद मुसलमानों के हाथों बाद मुसलमान मारे डाले गए। जैसे हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे ना, हजरत यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो खुद मुसलमानों के हाथों शहीद कर दिए गए थे इसी लड़ाई में ना। इसी दौरान ना फिर इसी एक पुकारने वाले की पुकार भी सुनाई पड़ी कि मोहम्मद सल्लम कत्ल कर दिए गए नाज़ुबिल्लाह। तो मुसलमानों ने नबी सल्लम की जब कत्ल की खबर सुनी इस हाल में तो उनका रहा सहा होश भी जाता रहा, उनका जोश सड़ पड़ गया और वो टूट कर रह गया। हत्ता कि कितनों ने ही लड़ाई छोड़ दी और जो कुछ दूसरे थे उन्हें जोश आ गया और उन्होंने कहा कि उठो, जिस बात पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दिया उसी पर तुम भी जान दे दो। तो देखिए मुसलमान इन्हीं हालात से दो चार थे कि अचानक काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरगे में आए हुए थे, मुसलमानों की तरफ रास्ता बना रहे थे। तो हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों आंखों से पहचाना क्योंकि चेहरा खुद से छुपा हुआ था ना। तो उन्होंने देखते ही बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों खुश हो जाओ, ये है अल्लाह के रसूल। ये सुनकर मुसलमानों ने आप सल्लम की तरफ पलटना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता 30 सहाबा जमा हो गए। मुशरिकीन ने इनकी वापसी की राह रोकने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन फिर नाकाम रहे थे। अब जरा सा ना ये जो मैंने बताया ना ब्रीफली, थोड़ा सा इसका डिटेल बताती हूँ जो बहुत जरूरी है और वो इसको समझाती हूँ। देखे हमारे प्यारे नबी सल्लम के गिर्द जो खूनरेज मार्का हुआ था ना, बेसिकली वो इस वक्त वो भी हुआ था। तो वो कैसे हुआ था वो जरा सा मैं आपको बताती हूँ इसमें ना। लेकिन जब मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमलों ने मुशरिकीन की सफों की सफें उलट दी थी और मुशरिकीन ने फरार की राह इख्तियार कर ली थी ना, जिस वक्त यानी मुसलमान मुशरिकीन पर मुसलमान तलवार चलाते और माल समेटते हुए इनका ताकुब कर रहे थे, उस वक्त ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 9 सहाबा इकराम की जरा जितनी नफरी के हमराना पीछे तशरीफ फरमाते। तो ये मंजर सब देख ही रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकदम अचानक खालिद बिन वलीद के शहसवार दिखाई दिए। तीर अंदाजों की अक्सरियत ने जिस खौफनाक गलती का इर्तकाब किया ना, उसकी वजह से जंग का पासा पलटने जा रहा था। इस वक्त आप सल्लम के पास दो ही रास्ते थे, या तो आप सल्लम अपने 9 रुफका समेत भाग कर किसी महफूज जगह पर चले जाते और अपने लश्कर को जो अब नरके में आया ही चाहता था ना, नजर आ रहा था ये सब कुछ, तो उसको उसके किस्मत पर छोड़ देते, या फिर अपनी जान खतरे में डाल के अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाते। तो आजमाइश के इस नाजुक तरीन मौके पर हमारे प्यारे नबी सल्लम ने जान बचाकर भागने के बजाय अपनी जान खतरे में डाल के सहाबा इकराम की जान बचाने का फैसला किया। ये होते हैं लीडर। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के शह सवारों को देखते ही निहायत बुलंद आवाज से सहाबे कराम को पुकारा, अल्लाह के बंदो इधर मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लेकिन हुआ क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुशरिकीन ने भी सुन ली और मुशरिकीन ज्यादा तादाद में आप सल्लम के करीब थे बनिस्बत मुसलमानों के, लिहाजा उनका एक दस्ता मुसलमानों से पहले आप सल्लम के पास पहुंच भी गया और छपट कर आप सल्लम पर हमला कर दिया। इस फौरी हमले के नतीजे में इन मुशरिकीन और वहां पे मौजूद 9 सहाबा इकराम के दरमियान निहायत सख्त मारकार आई हुई, यानी एन इस वक्त जबकि इस्लामी लश्कर नरगे में आके मुशरिकीन की चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिस रहा था, क्योंकि देखे ना पीछे से वो खालिद बिन वलीद का हमला, फिर उन्होंने सारा
परचम उठा लिया, सारे मुशरिकीन के दरमियान इस्लामी लश्कर वहां पिस रहा था, एन इस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द भी खून रेज मारकर आराई जारी हो गई। आप सल्लम के साथ सिर्फ 9 सहाबा किराम जिनमें 7 अंसार और 2 कुरैशी सहाबा थे, इनकी इस मुख्तसर सी जमात ने बेमिसाल बहादुरी का सबूत दिया इस मौके पे। ये लम्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लिए नहायत ही नाजुक तरीन लम्हा था, जबकि मुशरिकीन के लिए इंतहाई सुनहरी मौका था। और हकीकत है, और हकीकत यही है ना कि मुशरिकीन ने इस मौके से फायदा उठाने में कोई कोताही नहीं की। उन्होंने अपना ताबड़तोड़ हमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरकूज रखा और भरपूर कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें। इस मौके पर हमारे प्यारे नबी सल्लम ने फरमाया था, कौन है जो इन्हें हमसे दफा करे, इसके लिए जन्नत है, या ये फरमाया था कि वो जन्नत में मेरा रफीक है। आप सल्लम का दिफा करते हुए और लड़ते लड़ते आप सल्लम के 7 अंसारी साहबा शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में तलहा बिन उबैदुल्ला और साद बिन अबी वक्कास के सिवा कोई उनके करीब नहीं था, यानी कोई नहीं बचा था। इस हमले में उतबा बिन अबी वक्कास ने आप सल्लम को पत्थर मारा जिससे आप सल्लम पहलू के बल गिर गए। आप सल्लम का दाहना निचला रुबाई दांत टूट गया, आप सल्लम का निचला होंठ जख्मी हो गया। अब्दुल्ला बिन शहाब जहरी ने आगे बढ़कर आप सल्लम की पेशानी जख्मी कर दी। एक और अड़ियल सवार अब्दुल्ला बिन कमा ने लपक कर आप सल्लम के कंधे पे ऐसी सख्त तलवार मारी कि आप सल्लम एक महीने से ज्यादा इसकी तकलीफ महसूस करते रहे थे, अलबत्ता आप सल्लम की दोरी जरा ना कट सकी। इसके बाद इसने पहले ही की तरह फिर एक जोरदार तलवार मारी जो आंख से नीचे की उभरी हुई हड्डी पर लगी। इसकी वजह से खुद की 2 कड़ियां चेहरे के अंदर धंस गई, यानी खुद की 2 कड़ियों से मुराद है कि जो हेलमेट टाइप की चीज पहनते हैं ना जंग में सर पे, वो उसकी 2 कड़ियां वो लोहे की होती है ना, वो आप सल्लम के चेहरे के अंदर धंस गई। यानी और इसमें कोई शुबा नहीं कि मुशरिकीन आप सल्लम का काम तमाम कर देना चाहते थे, मगर दोनों कुरैशी सहाबा यानी हजरत साद बिन अबी वक्कास और तलहा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह तआला उन्होंने बेमिसाल बहादुरी से काम लेके 2 होते हुए अपनी जान पर खेल के मुशरिकीन की कामयाबी नामुमकिन बनाई है। इस मौके पर ये दोनों ना अरब के माहिर तीरंदाज थे, उन्होंने तीर मार मार कर मुशरिकीन को के हमला आवरों को ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परे रखा। इस मौके पर हमारे प्यारे नबी सल्लम ने अपने तरकश के तीर भी ना हजरत साद बिन अबी वक्कास के आगे बिखेर दिए थे और फरमाया था, चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ। और आप सल्लम ने इनके सिवा ना किसी और के लिए ये अल्फाज भी नहीं कहे हैं। तो तलहा बिन उबैदुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे ना, उनको तो 35 या 39 जख्म आए थे। अपने हाथ पर तीर तलवार रोक कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया जिससे इनकी उंगलियां जख्मियों के शल हो गई थी ना। और तर्मिजी की रिवायत है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इस रोज फरमाया था कि जो शख्स किसी शहीद को रुए जमीन पर चलता हुआ देखना चाहे वो तलहा बिन उबैदुल्ला को देख ले। इसी मौके पर एक और बात भी हुई थी, देखें जब उनकी उंगलियां जख्मी हो गई थी ना हजरत तलहा की, तो उनके मुंह से ना सी की आवाज निकली थी, यानी जैसे तकलीफ में इंसान के मुंह से निकल जाता है ना सी करके इस तरीके से। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर उनसे कहा था कि अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो तुम्हें फरिश्ते उठा लेते और लोग देखते रहते। देखिये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर भी अपने सहाबा की तबलीग कर रहे हैं कि इस्लाह का काम अंजाम दे रहे हैं ना। देखिये इसी नाजुक तरीन लम्हा और मुश्किल तरीन वक्त में ना अल्लाह ने गैब से फिर अपनी मदद भी नाजिल फरमाई थी। चुनाचे सहीन में ना हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लम को ओहद के रोज देखा, आप सल्लम के साथ 2 आदमी थे सफेद कपड़े पहने हुए, ये दोनों आप सल्लम की तरफ से इंतहाई जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे, मैंने इससे पहले इसके बाद इन दोनों को कभी नहीं देखा। और एक रिवायत में यह है कि ये दोनों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। ये सारा जो हादसा था ना, ये सारा कुछ ये सिर्फ चंद लम्हात के अंदर अंदर बिल्कुल अचानक और नहायत तेज रफ्तारी से पेश आया था, वरना नबी सल्लम के मुंतखब सहाबा किराम की जो लड़ाई के दौरान सफे अव्वल में थे ना, जंग की सूरत हाल बदलते ही ना वो हमारे प्यारे नबी सल्लम की आवाज सुनते ही आपकी तरफ बेतहाशा दौड़ कर निकले थे, लेकिन कि कहीं आपको नागवार हादसा पेश ना आ जाए। मगर ये लोग पहुंचे तो नबी करीम सल्लम जख्मी हो चुके थे, 6 अंसारी शहीद हो चुके थे, 7वें जख्मी होकर गिर चुके थे और हजरत साद रजी हजरत तलहा जान तोड़ कर इस वक्त मुदाफत कर रहे थे। अब इन लोगों ने पहुंचते ही अपने जिस्मों
और हथियारों से नबी सल्लम के गिर्द एक बाढ़ तैयार कर दी थी और दुश्मन के ताबड़तोड़ हमले रोकने में इंतहाई फिर बहादुरी से काम लिया। लड़ाई की सबसे आप सल्लम के पास जो पलट कर आने वालों में सबसे पहले सहाबी थे ना, वो कौन थे? वो आप सल्लम के यारकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और फिर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का बयान है ना कि हम दोनों नबी सल्लम की तरफ दौड़े, देखा तो आपके आगे तलहा पीछे पड़े हैं। आप सल्लम ने फरमाया अपने भाई को संभालो, जन्नत वाजिब कर ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रसालाना का बयान है कि जब हम पहुंचे तो नबी सल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हो चुका था, खुद की दो कड़ियां आंख के नीचे रुखसार में धंस चुकी थी। मैंने इन्हें निकालना चाहा तो अबू उबैदा ने कहा अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझे निकालने दीजिए। इसके बाद उन्होंने अपने मुंह से एक कड़ी पकड़ी, यानी हजरत अबू उबैदा ने, और आहिस्ता आहिस्ता निकालनी शुरू की ताकि रसूल अल्लाह सल्लम को अजियत ना पहुंचे। बिल आखिर एक कड़ी अपने मुंह से खींच कर निकाल दी, लेकिन इस कोशिश में उनका अपना एक दांत गिर गया और अब दूसरी मैंने खींचनी चाहिए, यानी हजरत अबू बकर कह रहे हैं कि मैंने जब दूसरी कड़ी खींचनी चाहिए तो अबू बैदा ने फिर कहा अबू बकर अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझे खींचने दीजिए। इसके बाद दूसरी भी आहिस्ता आहिस्ता खींची, लेकिन इनका दूसरा निचला दांत भी गिर गया। यानी आप देखें कि कितनी तकलीफ में होंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन्हें भी हजरत अबू बैदा को भी किस कदर तकलीफ पहुंची है। उन इतनी यानी जो सख्त कड़ियां थी कि एक दोनों कड़ियों को निकालने में उनके अपने दोनों दांत गिर गए और हमारे प्यारे नबी से हम किस कदर तकलीफ में होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रस्ताना कहते हैं कि अब हम तलहा की तरफ मुतवज्जा हुए, उन्हें संभाला। इन्हीं नाजुक तरीन लम्हात के दौरान हमारे प्यारे नबी सल्लम के गिर्द जांबाज सहाबा की भी जमात आन पहुंची थी। अब वो कौन से सहाबा थे जो हमारे प्यारे नबी सल्लम के गिर्द आके जमा हो चुके थे तो और जिन्होंने दिफा किया फिर? तो उनके नाम ये हैं, हजरत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसअब बिन उमैर, अली बिन अबी तालिब, सहल बिन हनीफ, मालिक बिन सन्नान जो हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हैं, उम्मे अमारा, नसीबा बिन काब माजिया, ये सहाबियाँ हैं, और कतादा बिन नुमान, उमर बिन खत्ताब, हातिब बिन अबी बलदा और अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये देखें कि अब ये सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे हैं वहाँ पे और खूब जोरदार उनके ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इधर मुशरिकीन की तादाद में ना लम्हा लम्हा बढ़ती जा रही थी, जिसके नतीजे में इनके हमले भी सख्त होते जा रहे थे और इनका दबाव बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इन चंद गढ़ों में से एक गढ़े में जा गिरे, जिन्हें अबू आमिर फासिक ने इसी किस्म की शरारत के लिए खोद रखा था। इसके नतीजे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घुटना मोच खा गया था और चुनाचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लम का हाथ थामा और तलहा बिन उबैदुल्लाह जो खुद भी जख्मों से चूर थे उन्होंने आप सल्लम को आगोश में लिया, तब आप सल्लम बराबर खड़े हो सके थे। यानी एक तरफ ये जंग हमारे प्यारे नबी सल्लम की गिर्द हो रही है, दूसरी तरफ मुसलमान बाकी उसमें आए हुए नरके में आए हुए जंग कर रहे हैं। हजरत अबू दजाना ने ना यहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लम के आगे खड़े हो गए थे और अपनी पीठ को ना आप सल्लम के लिए ढाल बना दिया था, इन पर तीर पड़ रहे थे लेकिन वो हिलते नहीं थे। और हजरत हातिब बिन अबी बलता ने ना उतबा बिन वकास का पीछा किया, इसने नबी सल्लम का ना दंदाने मुबारक शहीद किया था ना, और इस जोर की तलवार मारी उन्होंने कि इसका सर झटक गया और फिर इसके घोड़े और तलवार पर कब्जा कर लिया। हजरत सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी बड़े जांबाज तीरंदाज थे, उन्होंने रसूल सल्लम से मौत पर बैत की थी, उसके बाद मुशरिकीन को निहायत जोर शोर से दफा किया। खुद हमारे प्यारे नबी सल्लम भी तीर चला रहे थे। हजरत कतादा बिन नमान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी कमान से इतने तीर चलाए कि इसका किनारा टूट गया, फिर इस कमान को हजरत कतादा बिन नमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले लिया था और वो इन्हीं के पास रही थी। अच्छा, इस रोज एक और वाकया भी पेश आया था, वो ये हुआ था कि हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख जो है ना चोट खाकर ना चेहरे पे ढलक आई थी, तो हमारे प्यारे नबी सल्लम ने इसे अपने हाथ से ना पपोटे के अंदर दाखिल कर दिया था। इसके बाद इनकी दोनों आंखों में ना यही ज्यादा खूबसूरत भी लगती थी और इसी की बिनाई भी ज्यादा तेज थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ते लड़ते मुंह पर चोट खाई, जिससे इनका सामने का दांत टूट गया और इन्हें 20 या 20 से ज्यादा जख्म आए थे, जिनमें से बाद जख्म पाओं में भी लगे थे और वो लंगड़े हो गए थे ना। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल सल्लम के चेहरे से खून चूस कर साफ किया था। आप सल्लम ने फरमाया इसे थूक दो, तो उन्होंने कहा वल्लाह इसे तो मैं हल्की ना थूकूंगा। इसके बाद पलट कर लड़ने लगे और इसके बाद वो लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए थे। इधर आप ये देखें कि जो है ना सहाबिया यानी हजरत उम्मे अमारा नसीबा बिन तकाब, उन्होंने भी जंग लड़ी है। वो चंद मुसलमानों के दरमियान लड़ती हुई इब्ने कमा के सामने
पड़ गईं। इब्ने कमा ने इनके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि गहरा जख्म हो गया था। उन्होंने भी इब्ने कमा पर अपनी तलवारों की कई जरबे लगाई और वो दो जरहे पहने हुए था इसलिए बच गया। हजरत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने लड़ते भिड़ते 12 जख्म खाए थे। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने इंतहाई पामर्दी जांबाजी से जंग की। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने कुमा और उसके साथियों के पै दर पै हमलों का दिफा कर रहे थे। इन्हीं के हाथ में ना इस्लामी लश्कर का झंडा भी था ना, तो जालिमों ने इनके दाने हाथ पे जोर की तलवार मारी के हाथ कट गया। इसके फिर उन्होंने बाएं हाथ में झंडा पकड़ा तो कुफार के मध्य मुकाबले डटे रहे लेकिन उनका बाया हाथ भी काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने झंडे पे को घुटने टेक कर इसे सीने और गर्दन के सारे लहराए रखा। इस हालत में जामे शहादत नोश फरमाया था। और इनका कातिल ना इब्ने कुमा ही था ना, वो समझ रहा था। अच्छा, वो इब्ने कुमा जब हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया ना, शहीद हो गए हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हा, तो वो समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह कत्ल हो गए ना। तो उसने क्या कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तो उसने क्या किया कि उसने जोरदार आवाज में ना यानी चिल्ला चिल्ला के ऐलान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। अब इसका फायदा है, इसके इस सलाम से ना नबी सल्लम की शहादत की खबर जो ना मुसलमानों और मुशरिकीन दोनों में फैल गई। अब जिससे जो ना हमारे प्यारे नबी सल्लम से अलग थलग जो नरगे में अंदर आए हुए बहुत से साहबा जो लड़ रहे थे ना उनके हौसले टूट गए। जाहिर वो तो नहीं जानते थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लम से सही सलामत है, तो उनके हौसले टूट गए और उनके जाइम सर पड़ गए। उनकी सफ़ों में अथल पुथल और बदनज़मी और इंतशार का शिकार हो गई। मगर आप सल्लम की शहादत की यही खबर ना इस हैसियत से मुफीद साबित हुई कि इसके बाद मुशरिकीन के पुरजोश हमलों में किसी कदर कमी आ गई, क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि उनका आखिरी जो मकसद है ना वो पूरा हो चुका है, यानी नाउज़ुबिल्लाह हमारे प्यारे नबी ख़त्म कर दिया उन्होंने। चुनाचे अब बहुत से मुशरिकीन ने ना हमला बंद करके ना मुसलमान शहदा की लाशों का मसला करना शुरू कर दिया। यानी मसला का मतलब होता है नाक और कान और शर्मगाहें वगैरह काटना। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, झंडा हजरत अली बिन अबी तालिब को दिया। उन्होंने जमकर लड़ाई की। वहां पर मौजूद बाकी सहाबा किराम ने भी बेमिसाल जांबाजी और सरफोशी के साथ दिफा और हमला किया, जिससे बिलाखिर इस बात का इम्कान पैदा हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन की सफ़े चीर कर नरगे में आए हुए सहाबा किराम की जानिब रास्ता बनाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम आगे बढ़ाया और सहाबा किराम की जानिब तशरीफ लाए। सबसे पहले हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको पहचाना, यहाँ पे पहचाना था, तो खुशी से चीख पड़े कि मुसलमानों खुश हो जाओ, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इशारा फरमाया कि खामोश रहो ताकि मुशरिकीन को आप सल्लम की मौजूदगी या मुकाम मौजूदगी का पता ना लग सके। मगर इनकी आवाज जो है ना मुसलमानों के कानों तक तो पहुंच चुकी थी। बहरहाल चुनाचे हुआ क्या कि मुसलमान आपकी पनाह में आना शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता तकरीबन 30 सहाबा जमा हो गए। जब इतनी तादाद जमा हो गई ना तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की घाटी यानी कैंप की तरफ अपने सहाबा के साथ हटना शुरू किया ना। मुशरिकीन ने इस वापसी को नाकाम बनाने के लिए अपने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हमलावरों का हुजूम चीर कर रास्ता बना ही लिया। अच्छा, करिश्मे कुदरत देखिए कि इस खूनरेज मार धाड़ के दौरान बिना मुसलमानों को नींद की झमकियां आ रही थी। यानी नींद की झपकियां कैसे आ रही थी कि कुरान ने बतलाया है ना कि ये अल्लाह की तरफ से अमन और तमानियत थी ना। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैं भी इन लोगों में था जिस पर ओहद के रोज नींद छा रही थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ से कई बार तलवार गिरी। हालत ये थी कि वो गिरती थी मैं पकड़ता था, फिर गिरती थी फिर पकड़ता था। देखें, खुलासा इस सारे का ये कि इस तरह की जांबाजी और जान सिपाही के साथ ये दस्ता मुनज़्ज़िम तौर से पीछे हटता हुआ पहाड़ की घाटी में वाकया कैंप तक जा पहुंचा और बकिया लश्कर के लिए भी इस महफूज मुकाम तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। चुनाचे बाकी मांदा लश्कर भी अब आप सल्लम के पास आ गया। कुरैश की फौजी अबकरियत रसूल सल्लम की फौजी अबकरियत के सामने नाकाम हो गई। एक सेकेंड सिर्फ ना, इब्ने साहब का बयान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में तशरीफ ला चुके, यानी अब तशरीफ ले आए वहां घाटी में, तो अबी बिन खल्फ ये कहता हुआ आया कि मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूल सल्लम, हम में से कोई इस पर हमला करे।
तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इसे आने दो। जब करीब आया ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन समा से छोटा सा नेजा लिया, लेने के बाद झटका दिया तो इस तरह लोग इधर उधर उड़ गए जैसे ऊंट अपने बदन पर झटका देता है ना तो मक्खियां उड़ जाती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मद्दे मुकाबल पहुंचे, इसकी खुद और जर्रा के दरमियान हलक के पास थोड़ी सी जगह खुली दिखाई पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर टिका कर ऐसा नेजा मारा कि वो घोड़े से कई बार लुढ़क लुढ़क गया। हालांकि देखिए उसको कोई गर्दन में ना यानी उसको कोई बड़ी खराश नहीं आई थी अलबत्त, और खून भी बनता बहता नहीं था। कहने लगा मुझे वल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। लोगों ने कहा अल्लाह की कसम तुम्हारा दिल चला गया है वरना तुम्हें कोई खास चोट नहीं आई। उसने कहा वो मक्के में मुझसे कह चुका था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, इसलिए अल्लाह की कसम अगर वो मुझ पर थूक भी देता तो मेरी जान चली जाती। बिलाखिर अल्लाह का ये दुश्मन मक्का वापस होते हुए मुकाम सर्फ पहुंचकर मर गया। अबुल अस्वद ने हजरत अरवा रजी अल्लाह तआला से रिवायत की ना कि बैल की तरह आवाज निकालता था और कहता था इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो तकलीफ मुझे अगर वो मजाज के सारे बाशिंदों को होती तो वो सब के सब मर जाते। बहरहाल पहाड़ की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के दौरान ना एक चट्टान भी पड़ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर चढ़ने की कोशिश की मगर चढ़ ना सके क्योंकि एक तो आपका बदन दोरी जरा पहनने से भारी हो गया था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त चोटें भी आई थी ना, लिहाजा हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला नीचे बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार करके खड़े हो गए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान पर पहुंच गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली है ना। तो खैर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसके बारे में मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था ना, ये जो था इसका जो अबी बिन खल्फ के बारे में हमने बिल्कुल शुरू के लेक्चर में था ना, जब मक्के में अबी बिन खल्फ की हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुलाकात करता था तो आपसे कहता था ना कि ए मोहम्मद मेरे पास ओद नामी एक घड़ा है, मैं इसे रोजाना 3.5 से 7.5 किलो दाना खिलाता हूँ, इस पर बैठ कर तुम्हें कत्ल करूंगा। तो जवाब में एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बल्कि इंशाल्लाह मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तो ये वही अबी बिन खल्फ है ना। अच्छा खैर बहरहाल हम यहाँ पढ़ रहे थे कि जब रसूल सल्लम घाटी के अंदर अपनी क़यादत गाह में पहुंच गए तो मुशरिकीन ने मुसलमानों को ज़िक पहुंचाने की आखिरी कोशिश की। इब्ने साक का बयान है ना कि इस असना में रसूलुल्लाह सल्लम घाटी के अंदर तशरीफ फरमाते, अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद की क़्यादत में ये मुशरिकीन का एक दस्ता चढ़ाया तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त मौके पे दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह ये हमसे ऊपर ना जाने पाए। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु और महाजीन की एक जमात ने लड़कर ना इन्हें पीछे पहाड़ से नीचे उतारा था ना। तो ये आखिरी हमला था जो मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किया था। चूंकि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंजाम का सही इल्म नहीं था बल्कि इन्हें इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का तकरीबन यकीन था, इसलिए उन्होंने क्या किया था अपने कैंप की तरफ पलटकर मक्का वापसी की तैयारी शुरू कर दी। कुछ मुशरिकीन मर्द और औरतें मुसलमान शहदा के मसला में मशगूल हो गए यानी शहीदों की शर्मगाहें कान नाक वगैरह काट लिए, पेट चीर दिए। इसमें हिंद बिन उतबा ने ना हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला का कलेजा चाक किया था और मुंह में डालकर चबाना और निगलना चाहा था लेकिन निगल ना सकी थी तो थूक दिया था और कटे हुए कानों और नाकों का पाजेब और हार बनाया था ना। खात्मे जंग पे ना देखें कुछ मोमिन औरतें मैदान जहाद में पहुंच गई थी ना, और चुनाचे हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला का बयान है ना कि मैंने हजरत आयशा बिनते अबी बकर उम्मे सलीम रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि वो पीठ पर मुश्क लाद लाद कर ला रही हैं और अपनी कौम के मुंह में पानी डाल रही हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी बयान है ना कि ओहद के रोज हजरत उम्मे सुलैत रजी अल्लाह तआला हमारे लिए मुश्क भर भर कर ला रही थी, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे सलीम रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उम्मे सुलैत रजी अल्लाह तआला अन्हा ये तीनों खवातीन और इसके अलावा औरतों में ना हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। उन्होंने जब शिकस्त खुर्दा मुसलमानों को देखा था ना इन लोगों ने कि मदीने में घुसना चाहते हैं तो उनके चेहरों पर मिट्टी फेंकने लगी और कहने लगी ये सूत कातने का तकालो और हमें तलवार दो, ये यानी वही मुहावरा जो हमारी जबान में है ना कि चूड़ी ले लो और तलवार दो। इसके बाद तेजी से वो हजरत उम्मे ऐमन ना मैदान जंग पहुंची थी और जख्मियों को पानी पिलाने लगी तो इन पर हब्बान हकोज बिन अरकन ना तीर चलाया था, वो गिर पड़ी थी। इस पर अल्लाह के दुश्मन ने ना बहुत भरपूर कहका लगाया था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना इनकी उसकी ये बात गिरा गुजरी ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेरेश तीर दे के फरमाया था इसे चलाओ ना, तो हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तीर चलाया था और वो तीर हब्बान के ना हलक पे लगा था और वो चित गिरा और उसका पर्दा खुल गया
गया था। इस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हंसे थे कि जड़ के दांत दिखाई देने लगे थे, और फरमाया था साद ने उम्मे अमन का पर्दा बदला चुका लिया है, अल्लाह इनकी दुआ कबूल करे। खैर लास्ट ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घाटी के अंदर अपने क़याम गाह में जरा करार पा लिया ना, तो हजरत अली बिन अबी तालिब महराज से ना अपनी ढाल में पानी भर लाया। महराज क्या होता है? महराज ना इस पत्थर में बने हुए ना वो गढ़ा होता है जिसमें ज्यादा पानी आ सकता है, और ये भी कहा जाता है कि ये ओहद के एक चश्मे का नाम था ना। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने वो पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीने के लिए पेश किया था, लेकिन क्योंकि उसमें से थोड़ी सी नागवार बू महसूस की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसे पिया नहीं था, लेकिन इससे चेहरे का खून धो लिया था और सर पे भी डाल लिया था। इस हालत में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे इस शख्स पर अल्लाह का गजब हो जिसने इसके नबी के चेहरे को खून आलूद किया। अच्छा, इसके बारे में ना सही बुखारी में मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रुबाई दांत तोड़ दिया गया और सर जख्मी कर दिया गया, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से खून पोंछते जा रहे थे और कहते जा रहे थे वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को जख्मी कर दिया, इसका दांत तोड़ दिया, हालांकि वो इन्हें अल्लाह की तरफ दावत दे रहा था। इस पर अल्लाह ताला ने ना सूरह आले इमरान आयत नंबर 128 नाजिल की थी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इस बात में कुछ इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो इन्हें माफ कर दे, चाहे तो सजा दे, वो बहरहाल जालिम तो हैं ही। तिब्रानी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज फरमाया था इस कौम पर अल्लाह का सख्त अज़ाब हो जिसने अपने नबी का चेहरा खून आलूद कर दिया, फिर थोड़ी देर रुक कर फरमाया ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती। और सही मुस्लिम की रिवायत में भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे थे ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती। तो हज़रत सहल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सिलसिले में कि मुझे मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्म किसने धोया था, पानी किसने बहाया था और इलाज किस चीज से किया गया था। तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लम का जख्म धो रही थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ढाल से पानी बहा रहे थे, और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि पानी के सबब खून बढ़ता ही जा रहा है, तो चटाई का एक टुकड़ा लिया और इसे जला कर चिपका दिया जिससे खून रुक गया। फिर इधर मोहम्मद बिन मसल्लमा रजी अल्लाह ताला अन्हु शीरी और खुश जायका पानी ले आए थे और हमारे प्यारे नबी सल्लम ने फिर उसे नोश फरमाया था और दुआ खैर फरमाई थी दी थी, यानी जख्म के असर से हमारे प्यारे नबी सल्लम ने जोहर की नमाज ना बैठे बैठे पढ़ी और सहाबा कराम ने भी आप सच्चों के पीछे बैठकर ही नमाज अदा की। यानी अगर आप देखें यहाँ पे कि पूरी ओहद की ये लड़ाई जो है ना फजर के टाइम था ना, शूद के मुकाम पे जब पहुंचे थे आमने सामने थे ये फौजी, तो फजर के बाद से लेके जोहर तक के दरमियान में, यानी इस मुख्तसर से अरसे में इतनी खून रेस जंग छिड़ी है ना। तो यहीं पे आज इसको इख्तिताम करती हूँ एक दुआ के साथ, इंशाल्लाह ताला इससे आगे अगले लेक्चर को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। आगे इससे दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिका व सूइल कदा व शमातातिल आदा। ए अल्लाह बेशक मैं सख्त मशक्क़त बदबख्ती के पा लेने बुरी तकदीर और दुश्मनों के खुश होने से तेरी पनाह चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। ए अल्लाह मेरे सब गुनाहों को बख्श दे, थोड़े हों या बहुत, गुज़िश्ता हों या मौजूदा, खुले हों या छुपे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ميتا ميتا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ميتا ميتا प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूद ओ सलाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम।
मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो हम सब के रहनुमा वो। खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो हम सब के रहनुमा वो। उसवा उन्हीं की राहे अमल है जिंदगी है चरा। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। कामिल इंसान महबूबे यजदां महबूबे हर खासो आम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। अफ़ो अता लुत्फ़ो इनायत उनकी ज़ात में ग़ायत। अफ़ो अता लुत्फ़ो इनायत उनकी ज़ात में ग़ायत। रब जिसकी तारीफ में कह दे इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। रूठे हुओं को रब से मिलाना मेरे मोहम्मद का काम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। जिक्र है उनका बस्ती बस्ती गूंज रही है महफिल हस्ती। जिक्र है उनका बस्ती बस्ती गूंज रही है महफिल हस्ती। देखकर दुनिया भर की दौलत मिल जाए कर उनकी मोहब्बत। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। मेराज की शब अर्श बरी पर कैसा ये उनका मकाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। देख तेरी उम्मत की सांसें डूब चुकी हैं डूब रही हैं। देख तेरी उम्मत की सांसें डूब चुकी हैं डूब रही हैं। धीरे धीरे मध्यम मध्यम इन जख्मों पे रख दे मरहम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम।
के गम में शब भर रोना मेरे मोहम्मद का काम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। सबसे अनसब सबसे आला मेरे मोहम्मद का काम। डूबते हुओं को किनारे लगाना मेरे मोहम्मद का काम। सोते हुओं को प्यार से जगाना मेरे मोहम्मद का काम। बेतलबों में तलब जगाना मेरे मोहम्मद का काम।